राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है भाई अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे भाई HSSC CET ग्रुप सी की वैकेंसियों को लेकर भाई, जो आज आप लोगों का कोर्ट केस था, यानी कि जो आप लोगों के लिए 9 ग्रुप थे भाई, जिसके अंदर 11,990 पद थे, उन पदों के बारे में बात करेंगे कि भाई आज क्या हाई कोर्ट के द्वारा आप लोगों के एग्जाम लेने के लिए परमिशन दी गई या नहीं दी गई भाई, इन चीज़ों के बारे में। अगर परमिशन दी गई है तो कब एग्जाम होंगे, अगर परमिशन नहीं दी गई है तो न्यू डेट क्या होगी, आप लोगों के लिए भाई इन चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे भाई। उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी को पता चल सके कि भाई हरियाणा के अंदर या सेंटर के अंदर कौन कौन सी वैकेंसियाँ चल रही हैं प्रेजेंट के अंदर, और कौन सी वैकेंसियों के फार्म हैं जो उनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, या कौन सी वैकेंसी है जिसका रिजल्ट अभी आया भाई। इन चीज़ों के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा प्यारे साथियों। अब बात करेंगे भाई आज HSSC CET भाई, यानी कि 23 नवंबर को जो आप लोगों के लिए फास्ट हेयरिंग के लिए भाई आप लोगों के लिए केस किया था कि आप लोगों की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए 9 ग्रुपों के लिए, जिसके अंदर ALM था, स्टाफ नर्स थी भाई, योगा के थे और आयुर्वेदा के थे, यानी कि कुल 9 ग्रुप थे इसके अंदर और 11,990 पद थे, 26,000 प्लस कैंडिडेट थे, यानी कि कुल टोटल मिलाकर भाई 2.17 गुना जो कैंडिडेट थे। इनके लिए यही था कि भाई राहत की सांस थी, अगर आज कुछ अच्छा होने वाला था तो कोर्ट के अंदर कुछ अच्छा नहीं गया प्यारे साथियों। एक बार फिर मिली तो मिली आप लोगों को तारीख, यानी कि तारीख पे तारीख मिल रही हैं, वो भी किसकी कमियों से भी, HSSC बोर्ड की कमियों से। HSSC एक तरफ बोलती है कि भाई हम फास्ट हायरिंग करवा कर एग्जाम के लिए डेट लेंगे, लेकिन भाई HSSC हाई कोर्ट के अंदर संतुष्ट जवाब ही नहीं दे पाती तो कोर्ट फैसले को नहीं सुनाते भी, फिर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट डेट दी जाती है, जो नेक्स्ट डेट होगी भाई 19 दिसंबर को आप लोगों के लिए सुनवाई की जाएगी, यानी कि अब 19 दिसंबर को आप लोगों के दो केस होंगे, उन दोनों केसों की सुनवाई की जाएगी, एक जो ग्रुप नंबर 56 और 57 है, एक जो आप लोगों के लिए एग्जाम लेने की परमिशन मांगी गई है, उस परमिशन के लिए हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन आप लोगों के लिए 19 दिसंबर है वो नई डेट देने का काम किया गया है। अब उस नई डेट के अंदर आप लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आप लोगों को परमिशन मिल जाए, अगर परमिशन नहीं मिलती तो भाई 2024 के अंदर फिर आप लोगों की सुनवाई की जाएगी। अगर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम देने की डेट दी जाती है, अगर परमिशन दी जाती है, तब भी आप लोगों के एग्ज़ाम हैं वो 2024 के अंदर ही होंगे फिर भी, क्योंकि भाई 19 के बाद 10-15 दिन का जो टाइम बचेगा, उस 10-15 दिनों के अंदर टाइम शेड्यूल करना, सेंटर चेंज, सेंटरों की डिटेल लेनी, एडमिट कार्ड जारी करने, वहीं पर जनवरी आ जाएगी भाई आप लोगों के लिए। और सरकार चाहती है कि भाई इलेक्शन से पहले आप लोगों के सारे केस हैं उनको रफा दफा करके इलेक्शन से पहले एग्जाम लिए जाएं भाई। 2024 के अंदर भाई मार्च और अप्रैल महीने के अंदर इलेक्शन है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि भाई जनवरी के अंदर परीक्षाएँ हों या फरवरी के अंदर परीक्षाएं हों, तो ऐसे में अब जनवरी के अंदर आप लोगों के जितने भी कोर्ट केस हैं उनको रफा दफा करने का काम किया जाएगा। अगर कोर्ट केस रफा दफा नहीं हुए तो सरकार को हरियाणा की तरफ से रफा दफा करने का काम है वो कर दिया जाएगा भी बच्चों के द्वारा। ऐसे में आप अपनी तैयारी को जरूर रखें, क्योंकि 2024 के अंदर आप लोगों के लिए भाई जितने भी CET के ऊपर केस हैं इनको रफा दफा करने का काम किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और सरकार भी चाहेगी कि जितने भी केस हैं इनको जल्द से जल्द समाप्त करके भाई परीक्षाएँ वो ली जाए। यानी कि आज कोर्ट के अंदर कुछ नहीं हुआ, 10-15 मिनट बहस हुई, HSSC कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सकी, तो ऐसे में नई डेट दे दी गई है भाई, जो 19 दिसंबर 2023 को एक बार फिर आप लोगों के लिए सुनवाई करने का काम है प्यारे साथियों, वो किया जाएगा। ऐसे में सभी अपडेट पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को हर नोटिस का टाइम टू टाइम पता चल सके प्यारे साथियों। थैंक यू दोस्तों।